ठाकुर कल यूक्रेन में तनुबल मेडिकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमारा स्टूडेंट जो है शशांक कल जा रहा है। तो शशांक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा मायो के बारे में बताओ कि कैसे आपने कॉन्टेक्ट किया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम डॉक्टर जे एस एन मायो कंपनी के साथ। मैं बेसिकली फ्रॉम बिहार बट माई फादर हैव डूइंग जॉब इन गुजरात सो आई एम सेटल्ड इन गुजरात आई एम फ्रॉम गुजरात जस्ट नाउ एंड द अनदर थिंग इज आई गॉट दिस मायो एमबी ग्रुप एंड आई जॉइंड इन दिस ग्रुप फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज एंड देन आई हैव फॉलोड फ्रॉम एवरी सोशल मीडियाज लाइक फेसबुक यूट्यूब एंड एवरीथिंग। आई हैव ऑल्सो वॉच्ड एवरी वीडियो ऑन दिस अकाउंट ऑन यूट्यूब एंड इवन इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो and I think this is the best consultancy and if you just roam around in the city you will get many consultancies but he will not guide you like as they guide us and the best thing is that we whatever they say just they stand on that side basically and सभी चीज़ तो सभी सही हुआ है और वीजा के लिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है, डॉक्यूमेंट क्लियर रहेंगे सब कुछ क्लियर हो जाता है और विद इन इट्स बेसिकली फ्रॉम 10 टू 15 डेज और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती हो जाता। आपने मायो एमबी के साथ क्यों कॉन्टेक्ट किया, तो आपने मुझे बताया कि बहुत से कंसल्टेंट हैं जहाँ से आपको आपके वीज़ा प्रोसेस में तो किस तरह से आपको प्रोसेस मिला मायो एमबी का डॉक्टर जे एस से मिलकर। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि इंडिया में ये एक टाइप का बिजनेस सोचता है कि लाइक समथिंग सभी लोगों की अपनी अपनी रहती है और सभी जगह से आप कहीं पे भी आओ जिस जगह पे आपको मॉडरेट प्राइसेस मिलती है और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में मिल रही है और दूसरी सारी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बट वहाँ पे सबकी अपनी अपनी कंसल्टेंसी होती है जिसकी वजह से थोड़ी फीस हाई हो जाती है कम हो जाती है बट वेयर आई एम गोइंग इज द बेस्ट वन एंड फीस आर ऑल्सो मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली कैन अफोर्ड दिस बिजनेस and if you want the best quality you have to afford something so shashank ji aap kya kehna chahoge mayo ke liye and aap kaisa aapko feel ho raha hai aap finally ukraine ja rahe ho best ke liye so aapke wo jo aap you are belong gujarat yeah to aap thodi gujarati mein bhi ek line mujhe bata yahan pe bol do taki aapke aur friends aur parents hain jo samajh sake to unko bhi advice karo ki wo bhi wahan jaake thoda study kare india mein apna waste time na kare otherwise mujhe तो बेसिकली अगर गुजराती में बोलना चाहूँ तो भाई वो कसूत नहीं था टेंशन लेवन की जरूरत नहीं जितलो ऐसे डॉक्टर जयेश भाई है ये तुमने 110% थी वधारे तुमने हेल्प करशे अने वीजा एंड ऑल टू ए बधु तो बधु सिंपल से बराबर अने मेक्सिमम 10-15 डेज में तो आपने वीजा मिली जाए अने मने पोते एमना साथे समथिंग फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स तो एमनी साथे कॉन्टेक्ट में छू અને મારે એમના સાથે કોઈ એવું નથી કે મને કોઈ મિસગાઈડન્સ મળ્યું હોય કે લાઈક સમથિંગ કે મારે બીજા પાસેથી એમને ક્રોસ ચેક કરવાની જરૂર પડી કે ભાઈ આ સાચી વાત છે એ જે કહે છે એ સાચી વાત છે કે પછી ખોટી વાત છે અને બીજું છે કે સમથિંગ લાઈક લોકો એમ કહે છે ને કે ભાઈ અહીં ઇન્ડિયામાં જ આપણે પૈસા લઈ લેશે તો અહીંયા જાઓ પછી બધા કેટલા પૈસા કઢાવશે તો એવું કશું જ નથી જે સરે બોલ્યા છે એટલા તો ફિક્સ જ છે એટલા એનાથી વધારે 1 રૂપિયા ના લે અને જે યુનિવર્સિટીની ફીસ છે એ તો આપણે ભરવાની જ છે તમે એમની યુનિવર્સિટીની ફીસ સ્ટ્રક્ચર છે એમની વેબસાઇટ પર બી તમે જોઈ શકો છો અને બીજું બાકી તમારે એવું નથી કે ખાલી ટર્નોપિલ જ છે બીજી પણ બધી યુનિવર્સિટી છે જે સર એમની એ કન્સલ્ટન્સીમાં રાખે છે બીજી બધી યુનિવર્સિટીઝ પણ છે અને તમને જે પણ યુનિવર્સિટીઝ ફાવે છે એ પ્રમાણે તમે આગળ પ્રોસીડ કરી શકો છો બાકી તમે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યાં રહેશો ને સર વિલ હેલ્પ યુ ઓલવેઝ Thank you so much, Shashank, and God bless you.